मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैसे चंद महीनों में ही करोड़ों के नशे के कारोबार की फैक्ट्री लग गई, एमडी ड्रग्स को बनाना शुरू कर दिया गया और इसे खपाया जाने लगा, और कैसे गुजरात एटीएस और एनसीबी ने पूरे देश में अभी तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पर की कार्रवाई और कैसे आरोपियों को दबोचा, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश सर। एमपी की राजधानी भोपाल में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाने के मामले में अब पूरे देश में हड़कंप है, क्योंकि शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में कैसे चंद दिनों में ही देश का सबसे बड़ी नशे की फैक्ट्री बन गई और अब तक की सबसे बड़े ऑपरेशन को एटीएस गुजरात और एनसीबी ने अंजाम दिया और एमपी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल गुजरात एटीएस को कोकीन तस्करों के खिलाफ दिल्ली में की गई कार्रवाई के दौरान ही आरोपियों से पूछताछ में सन्याल बाने, जो एमडी ड्रग्स के मामले में पहले भी जेल जा चुका था, के भोपाल में बड़ी फैक्ट्री लगाने की लीड मिली। फिर क्या, एटीएस ने सन्याल पर नजर रखना शुरू कर दिया और करीब 6 महीने से एटीएस गुजरात सन्याल बाने की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। इस दौरान कई बार भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी सन्याल आकर रुका। भोपाल आने के दौरान वे कई बार अमित प्रकाश चतुर्वेदी से मिला और बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया भी गया। फिर क्या, एटीएस गुजरात ने पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर दबिश दी। कैसे पकड़ाया 1814 करोड़ का एमडी ड्रग्स? तारीख 5 अक्टूबर 2024, जगह इंडस्ट्रियल एरिया बगरोदा, समय दोपहर 12 बजे, टारगेट प्लाट नंबर F63 पर बनी फैक्ट्री पर गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। फर्नीचर बनाने की आड़ में ड्रग्स बनाने का काला कारोबार चल रहा था। टीम अंदर दाखिल हुई तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस मास्क लगाकर टीम को कार्रवाई करना पड़ी। कार्रवाई ने एटीएस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। ड्रग्स बनाने के केमिकल को तोलना शुरू किया गया तो मात्रा 907 किलो तक पहुंच गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1814 करोड़ रुपए है। एटीएस ने मौके से ही आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी और सान्याल प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। इसी संदर्भ में हमारे डीएसपी श्री अशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मिली थी कि एमपी भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला सन्याल बने, ये दोनों मिलकर के भोपाल में कहीं एक सोफिस्टिकेटेड ड्रग फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, लेबोरेटरी बनाई है, और इसमें लोग एमडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमारे वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि बडवाना ने थोड़ा और डेवलप किया। फाइनली जब ये क्लियर हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसके आधार पर एक टीम बनाई गई जिसको लीड गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी एस एल चौधरी ने किया। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए, जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहाँ पर लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। इसके अलावा भी वहाँ पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं, जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहाँ से सीजर किया गया। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे एमपी की राजधानी में आरोपियों ने देश की सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री को बनाया और इसका प्रोडक्शन शुरू किया। दरअसल इस गिरोह का मास्टरमाइंड सन्याल प्रकाश बाने हैं, जो मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला और 2017 में ड्रग्स के मामले में जेल भी गया था, जहां मुंबई के ऑर्थर जेल में बंद रहने के दौरान ही उसने ड्रग्स का पूरा नेटवर्क खड़ा किया और जेल में बंद अलग अलग प्रदेशों के ड्रग्स तस्करों से उसकी मुलाकात हुई और फिर जेल में रहते ही उसने अमित प्रकाश चतुर्वेदी, जो भोपाल का रहने वाला है, उससे फैक्ट्री शुरू कराई, क्योंकि प्रकाश के पास कोई काम नहीं था और वो हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का शौकीन भी था। इसका फायदा उठाते हुए सान्याल ने जेल में रहते हुए अपने गुर्गे और केस के तीसरे आरोपी हरीश अंजना को, जो मंदसौर का रहने वाला है, प्रकाश के पास पहुंचाया। हरीश और सान्याल भी ऑर्थर जेल रूम में बंद रहे थे,
और फिर हरीश ने अमित प्रकाश चंद को शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना दिखाया। सन्याल के मैसेज के तहत उसे भोपाल के आउटर में फैक्ट्री की जमीन तलाशने को कहा गया। प्रकाश ने बगरोदा में जयदीप सिंह की फैक्ट्री को किराए पर लिया और बताया कि फैक्ट्री पर लकड़ी पर होने वाला पॉलिश तैयार किया जाएगा। फैक्ट्री शुरू करने के लिए एडवांस और किराए से लेकर सामान मंगाने तक का पूरा इन्वेस्टमेंट भी सान्याल ने ही किया। हरीश ही सान्याल के इशारे पर हवाला से आई रकम को अमित प्रकाश तक पहुंचाता रहा और जब इसमें ड्रग प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हरीश ही इस ड्रग्स को अलग अलग माध्यमों से बंसौर और फिर यहाँ से अलग अलग रास्तों के जरिए ग्राहकों तक भेजने लगा। इस काम के लिए उसे हर खेप पर, अगर हम बात करें तो हर खेप की जो कमाई होती थी उस पर 10% का हिस्सा मिलता था। और फिर जैसे ही सन्याल बाने जेल से रिहा हुआ, अमित प्रकाश चतुर्वेदी के साथ मिलकर उसने फैक्ट्री चलाने का काम वो करने लगा। और जैसे ही उसने फैक्ट्री का जो रोज़ाना जो खपत है और खपत के साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो 25 किलो एमडी ड्रग्स बनाने की क्षमता तक पहुंच गया, उसने एमडी ड्रग्स का पूरा नेटवर्क को एक्टिव किया और एटीएस गुजरात के साथ साथ दिल्ली एनसीबी ने दोनों ही आरोपियों को फैक्ट्री से दबोच लिया और अभी तक की देश की सबसे बड़ी नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। बने हैं उसकी एमडी के क्षेत्र में, नारकोटिक्स के क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो 2017 में 1 किलो के केस में महाराष्ट्र में पकड़ाया था और उसमें 5 साल वो जेल में रहा। 2022 में निकलने के बाद उसका कॉमन फ्रेंड्स के मार्फत इस अमित चतुर्वेदी से कॉन्टैक्ट हुआ और पिछले 6-7 महीने से वो सब लोग, दोनों लोग मिलकर के ये एमडी के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। एटीएस की जांच में यहाँ तक ये जो बात सामने आई है कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की बात भी जो है निकल कर सामने आई है, मतलब साफ है कि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी ड्रग्स सप्लाई करने की तैयारी में। अब एटीएस गुजरात आरोपियों को 8 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुजरात गई है, जहाँ पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।